आई एम वैष्णवी एंड आई एम सिंगर, कितना अजीब लगता है ना जब कोई बोले कि आई एम सिंगर, बहुत अजीब लगता है। बहुत लोग पूछते हैं कि यार क्या तुम सिंगल हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, या क्या तुम अवेलेबल हो। खैर आई एम न्यूली अवेलेबल, पीपल से आई एम न्यूली सिंगल। दिनों पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के बाद मैंने ऐसी गलत एंड स्टूपिडिटी वाली हरकत की, मैं बता नहीं सकती आपको, कि मैंने अपनी जो जितनी भी क्लोज फ्रेंड्स है उनसे रिलेशनशिप की एडवाइस ली। उनकी राय लेने के बाद मुझे लगा कि मैंने क्या कर दिया। खैर एक बात तो माननी पड़ेगी, रिलेशनशिप की बातें ना, रिलेशनशिप की एडवाइजेस ना, वही बंदे वही बंदी देती हैं जो रिलेशनशिप में कभी पढ़े ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है रिलेशन किस खेत की मूली है। चुनी में खुद कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, खुद ने कभी रिलेशनशिप का एंजॉयमेंट लिया ही नहीं, मतलब रिलेशनशिप की जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है वो लोग रिलेशनशिप की एडवाइस देती हैं, जैसे कि मेरी सारी गर्ल्स फ्रेंड्स। चलिए मिलाते हैं। स्मृति को स्कूल वाले चाहे जितना ही गलत समझ कर उसको जाने, पर उसकी बातों में कहीं ना कहीं लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं उसकी बातों में कोई ना कोई सेंस जरूर होता है। उसकी बातों को सोचने के बाद लगता है कि हाँ उसने कुछ ऐसी बात कही जो रियल में ऐसा कुछ है, पर जो हम लोग उसकी बातें सुनते हैं ना तो हम लोग को बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है उसकी बातें सुनते, काफी कूल लगती है। हो गया सत्यानाश, या और कुछ चाहती हो? नहीं, अगर और कुछ चाहती हो तो बता दो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों से लाइफ में जब कुछ ही नहीं बन पड़ता है तो तुम ही जैसी लड़कियां चली जाती है, मुंह उठा के और ब्रेकअप कराती है। नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते, तो तुम लोग अच्छी खासी चल रही लाइफ को ब्रेक मार देते हो। कैसी सोचा यार उस बंदे के लिए, इतना ऑनेस्ट बंदा था यार, इतना क्यूट बंदे के साथ कोई कैसे सोच सकता है ब्रेकअप का, मतलब दिमाग में क्या था उस टाइम तुम्हारे? हाँ बहुत खुश होगी ना ब्रेकअप करने के बाद। एक होती है बेवकूफ लड़कियां और एक होती है महाबेवकूफ लड़कियां, तुम उन दोनों में नहीं आती हो। तुम जैसी लड़कियां भगवान ने बनाई नहीं है, रियल में मिलती है तुम जैसी लड़कियां। पर दूसरे तीसरे दिन तो बॉयफ्रेंड बदलोगे और फिर चेंज कर करके ब्रेकअप करते रहोगे, जैसे लगेगा कि ये बॉयफ्रेंड मेरे टाइप का नहीं है, मतलब मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहा, तो तुम जैसी लड़कियां उन लड़कों के साथ ब्रेकअप नाम की चीज करती हो, है ना? ऐसा ही है ना फंडा, उस बंदे की तूने स्माइल देखी है जब वो स्माइल करता है, हाय क्या लगता है दिलों की धड़कनें रुक जाती है। दिया लेके भी ढूंढेगी ना तू उस बंदे को, तब भी वो तुझे ना सात जन्म तक नहीं मिलेगा। अब तू तो उसके साथ है नहीं, तो क्यों ना मैं उसके साथ टाका भी डालूं। अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ट्राई करूं, नहीं बस ट्राई एक टाइम ट्राई करने का मैं भी सोच रही हूँ। वो सिंगल, मैं सिंगल, हम दोनों सिंगल हो। बहुत मस्ती करती है पर जैसे ही बॉयज का नाम सुनती है ना वैसे ही चिढ़ जाती है, मतलब उसे प्यार शब्द एक गाली लगती है, और इन शॉर्ट बोलूं तो उसे मर्द जा से ही नफरत है। वो क्या है ना, स्कूल टाइम पर उसका जो लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड था ना उसने उसको चीट किया, उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटा लिया, तब से लेके आज दिन तक निधि बॉयज को चीटर समझ। अगर नहीं है तो क्या मैं तुम लोगों को इंसान नजर नहीं आ रही हूँ? मेरे दो हाथ पैर की जगह मेरे तीन हाथ पैर हो गए हैं। हाँ तुम जैसी लड़कियों ने ना लड़कों को भाव बढ़ा के रखे, तुम जैसी लड़कियां ही लड़कों को सर पे बैठा के रखती हैं ताकि वो नाचे। एक बात नहीं समझ में आई, जब तुम्हारी बॉयफ्रेंड सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ जब तुम्हारा झगड़ा होता है तो तुम कहाँ जाती हो? फैमिली को तो तुम कुछ मानती नहीं हो, तुम्हारे लिए तो कोई फैमिली है नहीं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ वही था, पर वो तो इस टाइम झगड़े में चला गया, उससे तो लड़ाई हो गई, तो तुम लोग कहाँ जाते हो? तब तुम लोग को फैमिली याद आती है, तब तुम लोग को फ्रेंड्स भी याद आते हैं, वाह, ताकि चिल आउट कर सके, है ना? और जैसे ही तुम लोग का झगड़ा खत्म दोबारा से तुम लोग शुरू हो जाते हो, मतलब उन्ही लोगों से झूठ बोलना, उन्ही लोगों को अंधेरे में रखना और फिर मस्ती काटना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना। तुम लोग ना अपने बॉयफ्रेंड से कभी ट्राई की हो लड़ाई करने के बाद? कभी ट्राई किया है उन लोगों से बात करने का? नहीं। अरे क्यों? क्योंकि तुम लोग जानते हो, लोग समझेंगे। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है कि जिससे प्रॉब्लम होती है तुम लोग उसके पास नहीं जाते हो। तुम जैसी लड़कियों का कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीने से अच्छा है तुमने ब्रेकअप कर दिया,
क्योंकि तुम वो लाइफ डिजर्व ही नहीं करती थी जो तुम जी रही थी। अब तुम्हारी जो लाइफ है बहुत सिंपल होने वाली है, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी लाइफ अब कितनी सिंपल हो गई है। पहले की लाइफ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मैं सुबह बात कर सकती हूँ, पर वो बहुत मेलोड्रामा क्रिएट कर देती है। उससे बात करना जैसे टीवी सीरियल देखना, स्टार प्लस कलर्स का नाटक चल रहा है जिसमें ड्रामा पे ड्रामा क्रिएट हो रहा है, कुछ ऐसा वो करती है। पता है मुझे अच्छी तरीके से याद है उसने लास्ट टाइम पे क्या बोला था जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। तू पागल है, उसने तेरे से मजनूओं की तरह प्यार किया था, मतलब सच्चे दिल से उसने तेरे को चाहा था, लाइक जोधा अकबर सलीम अनारकली की जोड़ियों की तरह, इतनी मोहब्बत करता था वो तेरे से, है ना? की थी ना उसने तेरे से मोहब्बत, तेरी और उसकी जोड़ी पूरे स्कूल में फेमस थी, तुम दोनों को लोग देख के कहते थे देख मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी जा रही है, तेरी जोड़ी देख के बहुत लोग ऐसे थे जो सिंगल से मिंगल हो गए थे। सर तेरे लिए उस बंदे ने बाहरी लड़कों से मार तक खाई, तेरे लिए पता नहीं कितने उसने पापड़ बेले, तुझे इम्प्रेस करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, तू अनकंफर्ट ना हो जाए इसलिए वो किसी और लड़कियों से बात तक नहीं करता था, इनफैक्ट मुझसे भी वो कभी बात नहीं करता था, उसको लगता था कहीं तुम अनकंफर्ट ना हो जाओ, बस मेरे लिए भी कोई ऐसा ही होता राजकुमार। वैसे कहते हैं ना किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए, तेरा में लेना है उस रब का इशारा, वैसे मेरे लिए भी ना भगवान ने पक्का कहीं ना कहीं हमारे लिए भी राजकुमार बनाया होगा। जब भी मिलूंगी ना तो मैं तेरी तरह नहीं करूंगी, उसको छोड़ नहीं दूंगी, अपने सोलमेट को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, जब मैं उसको पहली बार देखूंगी तो DDLG वाली फीलिंग्स आएंगी मेरे अंदर, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, मेरे दिल में भी ना उसको देख के गिटारे बजेगी, लेकिन जब भी मेरा राजकुमार मुझे मिल गया ना कसम से मैं उसको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारी तरह नहीं करूंगी, तुमने ब्रेकअप करके बहुत गलत किया। हर इंसान हर गर्ल क्या एक्सपेक्ट करता है अपने बेस्ट फ्रेंड से, यही ना कि उसका बेस्ट फ्रेंड आए उसे सपोर्ट करे, उससे बोले कि यार तूने जो किया एकदम सही किया, मैं तेरे साथ हूँ, तू सही कर रही है, तेरा जो डिसीजन एकदम करेक्ट है, तू जो डिसीजन ले ली है वो एकदम सही है, 100% सही है, और तू उसमें डाउट मत कर, तेरा जो डिसीजन है बहुत सही है। तुम्हारे डिसीजन को वो सपोर्ट करे, तुम्हारे डिसीजन तुम्हारी फीलिंग्स को इंकरेज करे, तुम्हें बताए अच्छे से कि तुमने जो किया जिस इंसान के साथ किया एकदम सही किया, पर हिमांशी इज नॉट दैट टाइप ऑफ। अरे यार रो क्यों रही है, अब वैसे भी जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, वो लड़का सही में तेरे लायक बिल्कुल नहीं था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद था। अरे यार तू उसके साथ ऐसे चिपक गई थी, मैं तेरे से बोलना चाह रही थी कि यार वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, पर तू तो किसी की बात मानती तब ना, पर कोई नहीं अब अकल आ गई, भगवान के सहारे कहीं से भी अकल आ गई। कुछ लोग कह के गए हैं कि लाइफ में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और मुझे लग रहा है ना कि तेरा ये ब्रेकअप हो गया ना बहुत अच्छा हुआ है, और अब हम दोनों साथ में मिलके डेटिंग सेटिंग करेंगे ना, कितना मजा आएगा दोनों बेस्ट मिले के। सो पता है मैंने ना तेरे लिए एक लड़का ढूंढ भी लिया है, वो याद है तुझे, तुझे फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है आयुष नाम की, यस उसको ना तू एक्सेप्ट करे ना, काफी बंदा डैशिंग लुकिंग ब्यूटीफुल है, और मैं चाहती हूँ कि तू उसको डेट करे, और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मेरे बहुत टाइम से कह रहा था कि वैष्णवी प्लीज यार उससे कहो ना कि यार मेरी फ्रेंड को एक्सेप्ट कर ले, पर मैं सोच रही थी तेरा बॉयफ्रेंड है, बट अब तो वो नहीं रहा ना, तो अब ना तू उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, और हम दोनों ना साथ में चलेंगे डेटिंग सेटिंग करने। तो मैं चाहती हूँ तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले और उसके साथ डेटिंग सेटिंग करे, क्योंकि बहुत टाइम से वो मेरे से कह रहा है कि यार वैष्णवी प्लीज उससे मेरी सेटिंग करा दे यार, और बहुत बंदा मस्त है, एकदम ऑनेस्ट बंदा है, वो जो पहले वाला था ना उससे काफी बढ़िया बंदा है ये, और मैं हम दोनों मिलकर डेटिंग सेटिंग जब करेंगे ना तो कितना मजा आएगा, कितना फन रहेगा ना, है ना? सो यार मैंने पता तेरे लिए बहुत कुछ सोच भी लिया है कि तेरी ड्रेसिंग क्या होगी, तेरा मेकअप क्या होगा, उस दिन तू क्या पहनेगी और हम लोग कहाँ जाएंगे। That's it. These are the types of single girls and that I have met in my life. And I hope this video is so incredible. I hope कि आप लोगों ने ये वीडियो enjoy किया होगा. Let me know in the comment box कैसा लगा ये वीडियो. And this is my first wine video. आप लोग बहुत request करते हो कि please wine video बनाओ, please बनाओ, please बनाओ. So I just make a video for you only. So ये वीडियो कैसा लगा? Let me know in the comment box. जल्दी से लाइक करो अगर अच्छा लगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब इट यार, सब्सक्राइब करो, एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं पड़ते लाइक से और सब्सक्राइब के, घंटा बजा रहे ना यार, वरना तुमको
पिछली बार से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी मेरी वीडियोस की। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर, आई एम वैष्णवी।